एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ अपना क्रॉकरी यूनिट टूर शेयर करूंगी। कैसे मैंने अपने क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज करके रखा है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एक बार मैं आपको इसका ओवर व्यू दे देती हूँ क्रॉकरी यूनिट का। ये व्हाइट शेप, व्हाइट कलर का है और मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने वाली वॉल में इसको बनवाया है। ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर मैंने कुछ कलरफुल बॉटल से इसको डेकोरेट कर रखा है। अब बढ़ते हम अपने यूनिट की तरफ। जो फर्स्ट कैबिनेट है ये 3 सेक्शन से डिवाइडेड है। जो सबसे ऊपर है वो मैंने इसमें बहुत प्यारा सा सिरामिक का ब्लैक कलर का केटल सेट रख रखा है। इसमें एक केटल है और उसमें 6 मग्स है और बीच मैंने जूस बॉटल लगा रखा है। जो सेकंड है इसमें आप देखोगे मैंने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ग्लासेस लगा रखी है, अलग अलग डिजाइंस की, शेप्स की। और सबसे लास्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे मेरे सारा जो भी कप्स का कलेक्शन है, जैसे कि टी मग हो गए, कॉफ़ी मग हो गए, कुछ कुल्हड़ हो गए, कुछ कप एंड सॉसर सेट्स हो गए, वो मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट कैबिनेट। अब इस नीचे की तरफ आते हैं। जो कैबिनेट के बीच में वाला स्पेस है इसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने एक ब्लैक कलर का वास लगा रखा है जिसमें कुछ सुंदर से फ्लावर्स लगा रखे हैं जो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ राजस्थानी म्यूजिशियंस लगा रखे हैं मैंने डेकोरेशन के लिए। और ये हमारे गणेश जी का टी लाइट होल्डर है। ये इसमें बीच में आप अपना टी लाइट कैंडल रख सकते हैं। और पास साइड में आप देखेंगे कॉर्नर में मैंने एक वेस्ट साइड का अपना एक डेकोर पीस लगा रखा है। ये भी कैंडल लाइट होल्डर ही है, ये टी लाइट होल्डर है सॉरी। इसमें आप अपनी टी लाइट्स रख सकते हैं। तो अब सेकंड कैबिनेट की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट वाला कैबिनेट है उसके शेल्फ है उसके अंदर मैंने अपना अगेन एक केटल सेट रखा है। बहुत ही सुंदर वाइट कलर में है और इसमें फ्लोरल प्रिंट दे रखा है इसका। ये पूरा केटल सेट है। सेकेंड वाली शेल्फ में मैंने कुछ सिरेमिक का डेकोरेटिव आइटम रख रखा है, जैसे कुछ सर्विंग बोल्स है, 2 कॉफी मग्स हैं और ये एक केटल सेट है विद ट्रे, 2 कप्स और एक केटल और एक छोटी सी इसके अंदर नीचे ट्रे। जो थर्ड है सेक्शन, लास्ट सेक्शन है, इसमें मैंने अपने कुछ जैसे पीछे एक सबसे पीछे मैंने कटलरी सेट रखा है, एक्स्ट्रा कटलरी सेट रख रखा है। ये होम सेंटर से मैंने सर्विंग बोल्स लिए थे। ये भी सिरेमिक का एक मिल्क पोरर या कुछ चॉकलेट पोरर कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। और ये सूप बोल से जो कि मैंने होम सेंटर से ले रखे हैं और इसके स्पून्स भी है इसके साथ में। तो ये है मेरा सेकंड वाला कैबिनेट। अब नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे जो फर्स्ट शेल्फ है इसमें दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट शेल्फ है उसमें मैंने अपने डिनर सेट्स रख रखे हैं। एक तो कोरेल का डिनर सेट है और दूसरा है ला ओपाला का। ये प्लेट्स ला ओपाला की है और ये जो बोल्स है ये मैंने होम सेंटर से लिए थे, मुझे बहुत अच्छे ऑफर में मिले थे और बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइंस है। तो इसके साथ मैंने मैचिंग वाइट प्लेट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। फिर आप नीचे देखेंगे ये मैंने अपना ओटीजी रख रखा है। ओटीजी मैंने क्रॉकरी यूनिट में इसलिए रख रखा है क्योंकि मेरा ओटीजी मंथ में 2 से 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं आता, तो जब भी हमें यूज़ करना होता है तो हम इसको यहाँ से निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। और उसी के रिलेटेड कुछ सामान है वो मैंने
यहाँ रख सके, जैसे बेकिंग पेपर हो गया और मेजरिंग मशीन हो गई, कुछ मोल्ड्स हो गए, ये सब मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो ये है मेरा थर्ड कैबिनेट। जो फोर्थ कैबिनेट है वो है अगेन, इसमें मेरी एक्स्ट्रा क्रॉकरी रख रखी है, जैसे कुछ गेस्ट आने पर तो मैं और सर्व करने के लिए जब ये प्लेटर सेट्स या कुछ चटनी बोल्स कुछ चाहिए होते हैं तो मैंने सब यहाँ रख रखे हैं। और मैंने एक कैस्ट्रॉल रख रखा है, एक तो ये है मेरा ओवरव्यू क्रॉकरी यूनिट का। इसमें मैंने लाइट्स लगा रखी है ताकि बहुत ही सुंदर लुक देता है रात को, अगर ऐसा अगर रात में आप लाइट्स को लगा के रखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। और यहाँ डाइनिंग टेबल पे मैंने अपने एक छोटा सा मुखवास सेंटर टाइप कुछ कह सकते हैं, जिसमें मैंने एक ट्रे में अपने दो तीन तरह के जो मुखवास होते हैं, कुछ कुछ चॉकलेट्स हो गए, एक सॉल्ट पेपर का भी लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और एक स्पून और फोक का भी एक स्टैंड लगा रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय बाय।